हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे ही आप रिक्वायरमेंट्स एंड रिजल्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है 7/4/2023, मतलब आज का। यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ इंटरव्यू टू द पोस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन सी है। तो देखिए, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का एक एग्ज़ाम था जिसका मैंने अभी एक वीडियो बनाकर बताया था एग्ज़ाम कब है। उसके बाद में अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो जो सिलेक्ट हुए थे बच्चे, मैंने उनकी भी लिस्ट आपको दिखाई थी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों व दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात साक्षात्कार हेतु पात्र एवं अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूचियां पृथक से तैयार की गई हैं। दोनों सूचियां इस अधिसूचना के साथ संलग्न है, मतलब इसमें जो क्वालिफाइड है और अनक्वालिफाइड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और अब इसमें क्या है, पात्र पाए गए अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु दिनांक 23/4/2023 को उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर परिसर में प्रातः 9 बजे उपस्थित रहेंगे। तो कौन से बच्चे जो क्वालिफाइड है उनको 23 अप्रैल 2023 को 9:30 बजे के पहले पहले वहां पर पहुंचना है जबलपुर मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से एलिजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड एलिजिबल फॉर इंटरव्यू फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरिस्ट हाईकोर्ट ईयर 2021 की वैकेंसी है। और अभी तक इसका यहाँ पर हो नहीं पाया है, लेकिन अब ठीक है, हो रहा है। यहाँ पर देखिए कम से कम अब इंटरव्यू तक पहुंच गई है बात। यहाँ पर तो देख सकते हैं आप कि फर्स्ट पर यहाँ पर रेहान करके हैं सन, फिर उसके बाद में सत्येंद्र सिंह ठाकुर, अनंत राम सिंह, किशन सिंह, देवकी मरकाम, हरेंद्र, सुची परोहा, गौरव दीक्षित, जितेंद्र रावत, विजय लक्ष्मी और इसके बाद में यशिका रघुवंशी। इतने स्टूडेंट, जो 11 स्टूडेंट्स हैं, वे यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। उनको अब इंटरव्यू के लिए जाना है यहाँ पर 23 तारीख को, 23 अप्रैल को। और यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है वह यहाँ पर डिसक्वालीफाई हुआ है, और उसका कारण क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म नॉट रिसीव्ड टिल प्रिस्क्राइब लास्ट डेट। मतलब यहाँ तो देखिए इस बच्चे का क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, इसलिए उसने नहीं भेजा है। क्योंकि अभी बहुत से टीचर्स की भी वैकेंसी आई हैं और स्टेट गवर्नमेंट की भी जो वैकेंसीज आई हैं उनमें भी हो सकता हो गया हो, इसलिए उसने फॉर्म ना भेजा हो, इसलिए उसका बाहर हुआ है। बट जिन्होंने भेजे हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, मतलब फिक्स सीट होंगी और फिक्स ही स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, इसलिए इंटरव्यू के लिए इन स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो यदि आप भी ऐसे स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम है, तो आपको यहाँ पर किस दिन पहुंचना है, 23 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट पहुंचना है। और 9:30 बजे का टाइम दिया है, तो कम से कम आप 8 बजे पहुंचे ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके इंटरव्यू के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों का कहना है कि सर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का भी एग्जाम है, वो कब तक होगा। तो देखिए बच्चों, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया है, लेकिन आप मान के चलिए कि इससे पहले जब जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का आया था तब भी यहाँ पर अप्रैल के अप्रोक्स एग्जाम हो गया था, और अब भी अप्रैल के आसपास एग्जाम आपका हो जाएगा। अप्रैल के लास्ट तक हो सकता है आपका नोटिफिकेशन एग्जाम का आ जाए, क्योंकि अभी तक हमने जो चीजें देखी हैं हाईकोर्ट के, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम हो या जूनियर जुडिशियल का हो, आपको लगेगा कि बहुत टाइम है, लेकिन 10 दिन में ही आपका पता चला कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के बारे में, कल एक नोटिफिकेशन आए और 10 दिन बाद आपका एग्जाम हो। तो मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट में 20 अप्रैल तक या 30 अप्रैल तक आपका एग्जाम का डेट, कोई ना कोई डेट क्लियर हो जाएगा कि कब आपका एग्जाम है। और आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करके रखना है, ढील मत डालिए, क्योंकि अब इसमें सिर्फ क्या होता है, बहुत जल्दी ही आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत फास्ट है और बहुत जल्दी आपको नियुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो अच्छे से इसकी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दें कि भाई अब ठीक है देखेंगे, अभी पटवारी की तैयारी कर लें। एक एक घंटा इसको भी देते जाइए जूनियर जुडिशियल के लिए, बहुत जल्द इसका भी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा। एक बात और, बहुत से बच्चे कॉल करते हैं कि सर हम आपका कोर्स कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो ऐप है वह मोबाइल पर ओपन होगा, लेकिन आप उसको, जो आपने ऐप में कोर्स परचेस करा उसको आप लैपटॉप या पीसी पर भी चला सकते हैं। कैसे,
तो सबसे पहले एक सिंपल माध्यम है, आप successwithyou.net डालिए, आपको इस प्रकार की वेबसाइट हमारी ओपन होगी, उसमें अवर कोर्स में जाइए और अवर कोर्स में जाने के बाद आपको जो कोर्स देखे उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। या फिर सेकंड माध्यम है कि आप यहां पर app.successwithyou.net, आप यहां पर देख सकते हैं app.successwithyou.net, इतना आप जैसे ही डालेंगे आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, आपको मोबाइल नंबर वहां पर एंटर करना पड़ेगा, उसी पर ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे तो एनरोल कर पाएंगे हमारे ऐप में और जो भी हमारे कोर्स है आप उनको ले सकते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस प्रकार का वेबसाइट यहाँ पर विजिट होगा, उसमें आपको यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, स्टोर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तमाम प्रकार के आपको कोर्स मिलेंगे। आपको यदि आप सीपीसीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर देखिए जूनियर जुडिशियल के लिए आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी उसमें देखिए 199 की टेस्ट सीरीज है और 99 की। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर 199 की लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 199 वाले में इनफ कंटेंट मिलने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंटेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको हिंदी मैटर के लिए पीडीएफ मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम मैटर के पीडीएफ मिलेंगे, सब में आपको लिंक्स रहेंगे, आपको 10 फास्ट फिंगर पे टाइपिंग करने के लिए मिलेगी, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के पीडीएफ मिलेंगे पढ़ने के लिए, साथ में आपको यहाँ पर वीडियोज भी मिलेंगे, कंप्यूटर क्लासेस मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी देने को मिलेंगे जिनसे आप अपनी और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इतना कंटेंट आपको 199 रुपीज में मिलेगा। आप पहले आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट दिए हुए हैं, आप 10 फास्ट फिंगर पे चेक कर लीजिएगा कि आप पे जो टेस्ट है वो बेटर आप टाइपिंग उस पर कर पा रहे हैं, आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है सॉफ्टवेयर, अगर कर रहा है तो आप उसके बाद कोर्स लीजिए। 10 फास्ट फिंगर अगर आपके में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भी आप हमारे इस कोर्स को मत लीजिए, आप जब वर्क प्रॉपर करें तभी आपको हमारे इस कोर्स को लेना है। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इन कोर्स को लेने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।